नमस्कार, मैं विवेका, आप देख रहे खबर बिहार 24। पहली लहर दूसरी लहर कोरोना के लोग झेल चुके हैं, अब लोगों में भय का माहौल व्याप्त है कि कोरोना डेल्टा वेरिएंट क्या तीसरी लहर के आगमन का शुरुआत है। समझनी होगी इस बात को कि कोरोना डेल्टा वेरिएंट से कैसे बचे और क्या है। आपको पहले यह समझना होगा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के मरीज आज भी मिल रहे हैं, कम संख्या में मिल रहे हैं और तरह तरह के लोगों में लक्षण भी दिख रहे हैं। जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, ठीक हो गए तो तरह तरह के साइड इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं। हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को राष्ट्र धर्म समझकर कोरोना का टीका लेनी चाहिए। आज भी लोगों में भ्रम फैला हुआ है, कोरोना का टीका लेने से लोग हिचकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा अगर तीसरी लहर को मात देना है, अगर डेल्टा वेरिएंट को मात देना है तो कोरोना के टीका अवश्य हर व्यक्ति को परिवार हित में, समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में लेना ही चाहिए। साथ ही साथ मैं बताऊं कि मेरी बात एक डॉक्टर से हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मास्क लगाना सबसे जरूरी है, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना जरूरी है, कम से कम दो व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। सोशल मीडिया हो या अन्य प्लेटफॉर्म पे डेल्टा वेरिएंट के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही है, लोग डर भी रहे हैं। डरना चाहिए लोगों को, डरेंगे तो अपनी हिफाजत करेंगे, वैक्सीन लेंगे। अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो एंटीबॉडी आपके अंदर में डेवलप करेगा और आप कोरोना या कोरोना के तीसरी लहर, डेल्टा वेरिएंट, हर बीमारी को मात दे सकते हैं। पौष्टिक आहार सेवन करना होगा, विटामिन सी का प्रयोग करना होगा, अंडा का प्रयोग करना होगा, फास्ट फूड छोड़नी होगी, चाउमीन, तरह तरह के बाजार में पिज्जा बर्गर तरह तरह के सामग्री बनते हैं उसे छोड़ना होगा, अंडा सेवन करें, मांस का सेवन करें, संतरा मौसमी का सेवन करें। पौष्टिक आहार हर व्यक्ति को लेना होगा। इम्यूनिटी पावर जिसकी बढ़ी रहेगी उसे खतरा कम होगा। शरीर के एंटीबॉडी तैयार करने के लिए ही कहा जाता है कि वायरस को मात देने के लिए, कोरोना के तीसरी लहर को मात देने के लिए वैक्सीन सबसे जरूरी है लगाना। जो व्यक्ति 2 डोज लेंगे वो मात दे सकते हैं। डरने की जरूरत है, डेल्टा वेरिएंट के भी कई मरीज मिल चुके हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी मरीज मिल चुके हैं, फंगल इन्फेक्शन की भी बात आपने सुना। जो लोग पीड़ित हुए, कुछ मर गए, कुछ ठीक हुए, कुछ का इलाज चल रहा है, लेकिन आज भी कमोबेश कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। तीसरी लहर की बात कही जाती है, तीसरी लहर से बचना होगा तो स्वयं को उस लायक बनाना होगा, लापरवाही नहीं करनी होगी। हम सब मिलकर राष्ट्र हित में वैक्सीन लगावें, साथ ही साथ हर उन वस्तु का प्रयोग करें जो विशेषज्ञ और डॉक्टर कहते हैं। मास्क लगाना है, दूरी बनाना है, पौष्टिक आहार खाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और डेल्टा वेरिएंट से नहीं डरना है।
कोरोना की तीसरी लहर से नहीं डरना है। सरकार ने अपने स्तर पर तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रखी है, कर रही है। सरकार आने वाले महामारी से निपटने के लिए तैयार है। हम सबको भी तैयार होना होगा। आज देखा यह जाता है कि कई लोग मास्क नहीं लगाते, लापरवाही कर रहे हैं। वही लापरवाही तीसरी लहर को पैदा करेगा, वही लापरवाही डेल्टा वेरिएंट को पैदा करेगा, वही लापरवाही तीसरी लहर को पैदा करके फिर एक बार मुसीबतों का लोगों को सामना करना होगा। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिजन के लिए, अपने परिवार के लिए खुद को बदलना सीखें, प्रयोग करें जो विशेषज्ञ बताते हैं और कोरोना रूपी महामारी को मात दें। धन्यवाद।